लौट आऊँगा तेरी महफिल में, लौट आऊँगा तेरी महफिल में, अंदाज वही होगा लेकिन किरदार बदल चुका होगा। एक मौत ही है जो मुझे हरा सकती है, एक मौत ही है जो मुझे हरा सकती है, वरना किसी की औकात नहीं जो मुझे मेरे लक्ष्य को पाने से रोक सके। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी प्यारे मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों, बहुत सारे मित्रों ने हमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया और कमेंट भी किया था कि आप किस रूम में वीडियो बनाते हैं, अपना रूम दिखाइएगा, कौन कौन सी किस प्रकार से लाइटें लगी हुई हैं, बोर्ड कैसा है, कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करते हैं, कौन सा माइक यूज़ करते हैं। तो साथियों देखिए, मैंने बहुत कुछ अलग नहीं, प्रोफेशनल तरीके से नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मैंने बहुत ही कम अमाउंट में एक छोटा सा तैयार किया है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, आज सारी चीज़ें दिखाएंगे कि किस प्रकार से लाइटें लगी हुई हैं, कौन सा बोर्ड है, कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे और आपको एक रूम टूर कराएंगे। तो चलिए साथियों, बात करते हैं अपने रूम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि जो बोर्ड हमारा है, ये 5x4 का बोर्ड है जिस पर हम आपको पढ़ाते हैं। अगर इस बोर्ड से ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई हैं और इसके बाद यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, और अगर इस लाइट से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो फोटो नज़र आएंगे, यानी कि पहला फोटो जो है वो आपका है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें कि संविधान का निर्माता बोला जाता है। देखिए, फ़ोटो क्यों लगा रखे, क्योंकि देखिए एक ऐसे पर्सन को, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जब आप सुबह उठते हैं यानी कि, तो एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जिसने, कह सकते हैं कि एक अखबार बेचने वाला अगर देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइटें लगी हुई है और सारी लाइटें भी लगी हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो ये तो हो गया आपका बोर्ड। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक टेबल पड़ी हुई है, जिस टेबल पर हम अपने नोट्स रखते हैं, यानी कि जो भी मार्कर वगैरह है, मतलब बोर्ड को साफ़ करने के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम यहीं पर रखते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि और लाइटें, आप इधर आ जाइएगा और इधर दिखाते हैं कि कौन कौन सी लाइटें लगी हुई हैं, किस प्रकार से कौन सा ट्राइपॉड है, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, इधर देखते हैं तो ये है आपका ट्राईपोड, मतलब अभी इसको हम ऑनलाइन मंगाए थे, इसको मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, 399 रुपए का पड़ा था, यानी कि 400 रुपए का पड़ा था। और इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर एक आपका कीबोर्ड भी रखा हुआ है, ये लैपटॉप है हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम माइक यूज़ करते हैं, ये माइक है आपका बोया M1 का, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका डिब्बा भी रखा होगा, ये आपका माइक है BY M1। अगर आपको मान लीजिए ये जो माइक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, और ये जो आपका ट्राईपोड है, इसका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो ये है हमारा टेबल, यानी कि जिस टेबल पर हम बैठ के पढ़ते हैं, यानी कि जहाँ पर भी हमारी किताबें वगैरह रखी रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी तो आपको एक ऊपर सीलिंग फ़ैन भी लगा हुआ है, इनकी फ़ैन लगा हुआ है, जब भी वीडियो चला बनाते हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ़ैन रख लेते हैं, क्योंकि ये देखिए रूम जो है वो बिल्कुल बंद पड़ जाता है, तो जिस वजह से इस रूम में काफ़ी गर्मी लगती है, तो इस वजह से हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पंखा भी रख लेते हैं। और ये हमारा स्टूल लगा हुआ है जिस पर हमारी बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, जो भी मतलब मटेरियल है वो किताबें रखी हुई हैं, और इसके नीचे भी हमने यहाँ पर बना रखा है जिसके अंदर किताबें रखी हुई हैं। और ये हमारी कुर्सी टेबल, इनकी कुर्सी पड़ी हुई है जिस पर हम बैठते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, तो ये एक इंडिया संसार का मैप लगा हुआ है और इंडिया का मैप लगा हुआ है। और ये जो आपका मोबाइल है, यानी कि जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो मोबाइल है आपका Realme 5 Pro का, यानी कि ये मोबाइल का जो डिब्बा है, इससे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यानी कि इसमें आपका मार्कर रखा हुआ है, तो ये मतलब एक छोटा सा है। और यहाँ पर आपकी देखिए, अगर लाइट की बात करें, तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक लाइट उधर लगी हुई थी, और यहाँ पर मैंने तीन लाइटें यहाँ पर लगा रखी हैं। ये आपकी तीनों लाइटें जो हैं वो लगभग 20-20 वाट की, यानी कि 20-20 वाट की हमने यहाँ पर तीन लाइटें इधर लगा रखी हैं, और चौथी लाइट आपकी वो है, और एक एक्स्ट्रा आपको बल्ब भी लगा रखा है, वो भी आपको दिखा देंगे। देखिए उधर दिखाइएगा, वो आपको एक बल्ब भी लगा हुआ है। और देख मतलब ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर कोई प्रोफेशनल तरीके से है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। बहुत ही कम अमाउंट में आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत साथी हमसे कहते हैं कि भाई आप कैसे वीडियो बनाते हैं सर, हमको भी मतलब स्टार्ट करना है, चैनल स्टार्ट करना है, हम भी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो देखिए आप, जैसे कि मैंने जब शुरुआत किया था, तो मुझे भी लग रहा था कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बनाएं, क्योंकि किस प्रकार से इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे पास माइक होना चाहिए, मतलब माइक तो एक जनरल चीज़ है, आप इतना महंगा नहीं ले सकते, तो आप लो कॉस्ट में मार्केट से जाएंगे तो जेनरिक माइक भी ले सकते हैं, जो आपको 150-200 रुपए का पड़ जाएगा, और अगर आप उसे भी नहीं, तो अपना ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जो है बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि एक वृक्ष होता है, तो उस वृक्ष का जो बीज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमको बहुत ही, जहाँ पर आप जिस भी सेक्टर में आप उतरेंगे, तो आपको पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें लगेंगी कि इसको कैसे शुरुआत करें, लेकिन आप धीरे धीरे, अब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं, तो ये सारी जो लाइटिंग अभी मैंने लगा रखी है, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा मतलब जो डिब्बे से कुछ बल्ब लगा रखे थे वो यहाँ पर सीधे फोकस करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो हमने लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है बिल्कुल ठीक है। और देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर हम अलाउट वगैरह लगा देते हैं, मतलब सारी जो लाइटिंग है इनका कनेक्शन भी यहाँ से है, और ये आपके यहाँ पर तीन चार टंगे हुए,
जैसे कि गणित का फार्मूला चार्ट हो जाता है, और इसके नीचे आपको दो चार्ट और मिलेंगे जिसमें फिजिक्स का होगा और एक केमिस्ट्री का होगा। तो ये है हमारे रूम का मतलब छोटा मोटा, यानी कि इसमें और एक्स्ट्रा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आपका लैपटॉप का चार्जर वर्जर पड़ा हुआ है, और ये जो आपका ग्लास है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वीडियो बनाते समय पानी पीने में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और यहाँ पर दिखाते हैं कि ये जो तख्त पड़ा हुआ है जिस पर कुछ किताबें रखी हुई हैं, इस पर भी बैठ के स्टडी कर लेते हैं। यानी कि जब भी कभी मान लीजिए कुर्सी से, हमेशा तो कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, जब कुर्सी से मन ऊब जाता है तो यहाँ पर भी बैठ के हम स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा इधर आ जाइएगा, इधर दिखा देते हैं कि हमारा जो मतलब यहाँ पर शाम को सोने के लिए, फिर रेस्ट करने के लिए जो हमारा मतलब छोटा सा चारपाई वहाँ पर पड़ा हुआ है, इस पर शाम को रेस्ट करते हैं। और इसके बाद फिर इधर आ जाइएगा, अब यहाँ पर एक टेबल भी नीचे रखा हुआ है जिसको हम मतलब बहुत सारी चीज़ें नीचे रखी हुई हैं, मतलब टेबल रखा हुआ है जिस पर हम इस रख लेते हैं तखत पखत पे, तो उसके ऊपर पढ़ लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आप ये मत समझना कि जैसे मेरे पास लैपटॉप वगैरह है तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ये भी मुझे चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, अब स्टार्ट अगर आप करेंगे तो लैपटॉप कहाँ से। देखिए एक चीज़ बताएं आपको, इसका यूज़ हम इसके लिए बहुत ही कम करते हैं, मतलब इसमें जो वीडियो एडिटिंग वगैरह है उसमें हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम जो है वो एडिटिंग इस फ़ोन से ही कर लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जितनी सारी चीज़ें वो हम अकेले ही करते हैं, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, वही सारी चीज़ें डालना, सारे काम हम अभी अपने जो अकेले ही करते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, देखिए रूम तो छोटा मोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसोर्सेज आपको, जैसे कि आप अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, मतलब एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जिससे कि आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर माइक मार्केट से आपको जेनरिक माइक भी मिल जाएगा, उसके बाद आप नहीं तो आप इस ईयरफोन को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका माइक लगा होता है, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ट्राईपोड, हालांकि हम ट्राईपोड खरीद लिए थे, कोई महंगा नहीं है, 300-400 रुपये का ट्राईपोड पड़ा है। अच्छा, जब माइक खरीदे थे तो ये माइक जो है वो उस समय हमको पड़ा था, लॉकडाउन के समय हम खरीदे थे, तो ये जो माइक है वो हमको 799 रुपये, यानी कि लगभग 800 रुपये का पड़ा था, लेकिन अभी जो इसका प्राइस है वो बढ़ चुका है, लगभग 1200 रुपये तक का पड़ेगा। अगर आप इस माइक को खरीदना चाहते हैं तो देखिए माइक जो है वो कंपनी का पड़ता है, यानी कि बोया बाई एम्बन का माइक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, और ट्राईपोड का भी लिंक आपको इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये छोटा सा हमारा रूम था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नहीं है। इधर अगर बात करें तो यहाँ पर एक मेज है जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुके थे, जिस पर हम अपनी जो मार्कर वार्कर रख लेते हैं, पढ़ाते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत से बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये कहावत है ना, क्यों आसमां देखता है ज़मीन पर बैठकर, क्यों आसमां देखता है ज़मीन पर बैठकर, खोल अपने पंखों को क्योंकि ये दुनिया जो है वो सिर्फ उड़ान देखती है। आपने कितना बड़ा सोचा है, आप सोचते हैं कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे तब मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, जब आप सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज मतलब ये चीज़ इकट्ठी कर लेंगे, नहीं। देखिए मैटर ये नहीं करता कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या आप क्या कर सकते हैं, आप आने वाले समय में क्या करेंगे, सबसे बड़ी मैटर बात ये करती है, दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, उन चीज़ों से आप कैसे यूज करते हैं, उन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये मेरा छोटा सा रूम था, यानी कि इस रूम में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें फैशनेबल नहीं लगी हुई हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से अवेलेबल कर सकते हैं। तो अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं, मैंने आपको रूम दिखाया था कि बिल्कुल यहाँ पर ऐसा है कि आपके माउस भी मेरे पास है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो कीबोर्ड या माउस जो भी मैंने चीज़ें खरीद रखी थी स्टार्टिंग में मैंने इनको खरीद लिया था, लेकिन अभी हम इनका यूज़ जो है वो एडिटिंग करते समय किसी भी चीज़ में इसका यूज़ नहीं करते, इसका यूज़ तो हम बहुत ही कम, यानी कि लैपटॉप का यूज़ बहुत ही कम करते हैं इसमें, लेकिन अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें वो आपकी मोबाइल से चल रही हैं। और साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी जो हमारी क्लास है वो कुछ दिन डिस्टर्ब चल रही है, यानी कि 5 से 6 दिन हम आपको क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। और आपको अभी इस चैनल के माध्यम से जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे आपका NTPC का हो गया, ग्रुप डी हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, उसके लिए हम आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ दिन क्लास डिस्टर्ब चल रही है, लेकिन इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी एजिटी जाने लगेंगी, इसके बाद आपको सारी क्लासेस जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिलने लगेंगी। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो सेटअप है वो पीलीभीत में धीरे धीरे वहाँ पर बना लें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा यहाँ पर अभी लॉकडाउन की वजह से गाँव में थे तो वहीं पर ये बना रखा है, कोई बहुत फैशनेबल नहीं है। और देखिए कोई भी काम की शुरुआत जो बहुत छोटी होती है, आप आसानी से शुरुआत भी कर सकते हैं। तो साथियों ये था आपका रूम का सेटअप, और बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें जो भी आपने देखी अच्छा लगा होगा, और आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, और आप जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो देखिए हम लोग उस स्तर से निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने कि मतलब 2 से 3 लाख रुपये का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिजिटल बोर्ड लगा दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी, देखिए वो लोग को कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बहुत ही नॉर्मल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो हम आगे नहीं,
बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो आपको एक छोटी से ही करनी पड़ेगी। जब आप स्टार्टिंग, क्योंकि कहावत है कि किसी भी चीज़ का जो पहला कदम होता है बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग के समय मुझे लग रहा था कि यार मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा या कैसे ये सारी चीज़ें करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कैसे वीडियो बनाएंगे, ये कैसे मेरे पास सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आज क्या है कि मुझे थोड़ी थोड़ी, जैसे कि कोई भी सेक्टर है कि जब आप उसमें धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, कदम बढ़ाते जाते हैं, तो आप धीरे धीरे उसके अंदर कामयाब होते चलते हैं, आपको धीरे धीरे उसकी नॉलेज होने लगती है। अब जैसे कि कहावत है कि किसी भी मंजिल का जो पहला कदम होता है बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद आपको धीरे धीरे, जब आप एक कदम पहला कदम बढ़ा देते हैं तो आपको आगे मंजिल मिलनी ही मिलनी है। कहा जाता है कि मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतखाम होता है। मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतखाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। साथियों, ये था आपके रूम का एक छोटा सा टूर, यानी कि जहाँ पर मैंने अपनी बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत ही छोटी सी जगह में तैयार कर रखी हैं। तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और आपकी क्लासेस की अगर बात करें तो आपको क्लासेस आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलने लगेंगी। अभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही जिस वजह से हम आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, आपको आने वाले समय में सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। और साथियों, आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो थोड़ा आप मेरा सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और सारी क्लासेस भी आपको अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।